नमः कामा देवा, ओम नमः, ओम नमः कामा देवा शकला शकल। एक मिनट मेरी बच्ची, शकल नहीं सकल। क्यों शकल को? मेरी शकल को नहीं, ये सकल सकल। ओ ओ ओके ओके ठीक है, एक बार और, एक बार और भाभी। चल ठीक है, बोल ओम नमः काम देवाय सकल सह दर्शा सह मशा लिए बने धुनम जनम मद दर्शन उत्कालीन कुरु कुरु दक्ष दक्षु धर कुसुम हा 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 स्वाहा। नहीं भाभी थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता लो ना, फर्स्ट टाइम है। ठीक है ठीक है, ओम नमः काम देवाय सकल। नहीं भाभी थोड़ा धीरे, एक 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 बोल। अच्छा ठीक है, तू बोल। हाँ, ओम नमः। मेरी बच्ची ओम नमः, अगर इतनी धीरे धीरे पढ़ेगी ना तो 108 बार होते होते तो अगला जन्म हो जाएगा। 108 बार? मेरी बच्ची 108 बार, ये ना वशीकरण मंत्र है। झूठ कहे तो कहो, इसका दिन में 108 बार पाठ करने के बाद ना शिव तेरे आगे और पीछे घूमेगा। चल बोल बोल बोल, ओम नमः काम देवाय। ओम नमः काल देवाय। भगवान कहां तू, काल भैरव पहुंच गई। काल ही, ओम नमः काम देवाय। ओम नमः काम देवाय। वेरी गुड, बोल सकल सह दर्शा सह मशा। शकल 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 फिर शकल। मेरी बच्ची बोल सकल सह दर्शा सह मशा। सकल सकल शहर दर्शा, कहाँ पहुंच गई तू, कौन से शहर में? बोल सकल सह दर्शा सह मशा। सकल सर दर्द। बच्ची तूने तो मेरा मेरे सर में सच में दर्द कर दिया। हर सह दर्शा। Doing all this, not getting Shiv nazar, you know? Yeah? I meaning, you wanting Shiv eye? But using this method, Vashikaran, Vashikaran, old method, very boring, not happening. तो फिर मैं क्या करूँ? अरे तुमने ऐसे कैसे कह दिया कि ये वशीकरण मंत्र काम नहीं करेगा? अरे युग युग से ना इसी वशीकरण मंत्र का इस्तेमाल करके स्त्रियों ने ना अपने पति और अपने प्रेमियों को ना वश में किया है। No. My formula oldest. Before people learning to speak and write English fluently, like myself. अच्छा, तो क्या है आपका formula? Attraction. Attraction. Attract Shiv towards yourself. Eyes. Eyes. Only eyes. Only eyes. Eyes. And by changing your walking style and your wearing clothes, you know, walking style. Like this. Attraction. Attraction. Okay. Now you do and think, I am your Shiv only. Okay. Okay. Good days. अरे मेरी बच्ची, नहीं नहीं, तेरे इन अदाओं से ना, इन अदाओं से शिव बस में नहीं होने वाला। हाँ, शिव तो ना सिर्फ बस में होगा इसी वशीकरण मंत्र से। याद नहीं तुझे, तूने इसके पहले भी शिव को कितनी बार रिझाने की कोशिश की, पर हुआ क्या? शिव तो ना बस इसी वशीकरण मंत्र से तेरे बस में होगा। बोल मेरी बच्ची, ओम नमः काम देवाय। Not working. My formula. Very important. Not wasting. Attraction. चुप कर। बोल वशीकरण मंत्र। ओम नमः काम देवाय। ओम नमः काम देवाय। सकल सह दर्शा। सकल। अरे मेरी बच्ची बोल। Stop it. Stop it. क्या confusion लगा रखा है ये? शकल सुधारो, अकल सुधारो, ओम नमः कामो देवा, शकल सुधारो, अकल सुधारो। What? शिव, तुम खड़े क्यों? आओ ना, आओ ना, अंदर आओ, अंदर आओ, आओ ना। देखा मेरे मंत्र का कमाल? शिव अपने आप खींचा चलाया। He comes that only, but he goes away after listening Tulika mantra. काम देवा, ओम नमः शकल देव, ओम नमः शिव। कैसा फील हो रहा है? हाँ गौरी,
हाँ मैं तेरा ही वेट कर रहा हूँ। तेरे घर पे तुझसे कुछ अर्जेंट बात करनी थी। ओके बाय। अरे मेरे मोबाइल क्यों छीन लिया? क्योंकि ये मेरा घर है और यहाँ पर तुम किसी और से बात नहीं कर सकते, समझे? क्या नया कंफ्यूजन है? Thank you for the lift. You're welcome. वैसे आप इससे भी अच्छी तरह से थैंक यू करना चाहती हैं तो आप मुझे चाय पे बुला सकती हैं। Hey, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी चाय नहीं पीता। नहीं नहीं ऐसी ऐसी कोई बात नहीं। तो इसका मतलब मैं चलूं अंदर? नहीं हाँ चलिए, लेकिन अगर चाय पियेंगे ही नहीं तो अंदर आने का क्या फायदा? चलिए अंदर। कहीं शिव तो अब नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। और अगर अंदर होगा भी तो क्या फर्क पड़ता है? वेरी गुड आंसर, आई लाइक इट। वैसे चाय नहीं पीनी है, शाम को डिनर पर चलें। एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट खुला है। देखो अगर तुम्हें मेरे साथ ना चलने का कोई बहाना बनाना है तो तुम्हें बहुत ही सॉलिड बहाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे जो यूजुअल बहाने हैं वो चलने वाले नहीं है, वो सब पुराने हो चुके हैं। ना तो आज ट्यूसडे है, ना थर्सडे, ना तुम्हारा उपवास है, ना ही अभी तक शाम हुई है कि तुम अपने घर पर ये नहीं कह सकती कि तुम्हारे लिए खाना ना बनाए। और अगर फिर भी तुम्हें कोई बहाना नहीं, मैं चलूंगी डिनर पर। वेरी गुड, तो मैं एक घंटे में आता हूँ। जी एक घंटे में? हाँ, तब तक अगर तुम्हें कोई सॉलिड सा बहाना आ जाए तो मुझे बता जरूर देना, कहीं मुझे ऐसा ना लगे कि मैंने ट्राई नहीं किया। I'll see you later. See you. Bye. गौरी तू मैं क्या? मैं तुझे पता चल गया? तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? बस बुरा इस बात का लग रहा है कि तुमने मुझे खुद नहीं बताया। मैं क्या बताता गौरी? मुझे बुरा लग रहा था शिव कि जो बातें मुझे तुमसे पता चलनी चाहिए वो बाकी सब लोगों को पता है, अभिमन्यु को, यहाँ तक कि मिस्टर रहेजा तक को पता है। मिस्टर रहेजा को भी पता चल गया? और नहीं तो क्या, कितना भी छुपाओ बातें तो निकल ही आती हैं। तुलिका के पेट में कोई बात क्यों नहीं फंसती? तुलिका को भी सब कुछ पता है, एक सिर्फ तुमने मुझे ये बात पता चलने नहीं दी। I'm sorry, गौरी। It's okay. माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा डिसीजन था तो it's okay. तूने रहेजा को क्यों बताया? ये तेरे मेरे बीच की बात थी ना? मैंने रहेजा को कुछ नहीं बताया। अच्छा मतलब गौरी झूठ बोल रही है? नहीं शिव, झूठ बोलने का तो कोटा सारा तुम्हारा है। Don't argue with me. सच सच बता, तूने रहेजा को क्यों बताया? मैंने रहेजा को कुछ नहीं बताया। और अगर रहेजा को पता चल भी गया है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी हरकतों के बारे में उस सबको पता चलना चाहिए। देख रहेजा को पता चले या ना चले मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गौरी तक तो बात पहुंची ना। Oh, I see. तो ये बोलो ना कि गौरी तुमसे नाराज हो गई। हाँ मैं नाराज हूँ, क्योंकि मेरे दोनों दोस्तों ने मुझसे ये बात छिपाई। और शिव से तो मैं एक्सपेक्ट कर भी सकती, लेकिन तुलिका तुझे तो सब पता था ना, और तूने मुझे कुछ नहीं बताया। गौरी तुम्हें लगता है कि शिव ने मुझे बताई होगी ये बात? मैं इसके लिए इतनी इम्पोर्टेंट हूँ? मैं तो उसके घर गई थी और मैंने संत को उससे ये बात करते हुए सुन लिया। संत को भी सब पता है? हाँ, संत ने तो मेरी हेल्प की थी। संत ने हेल्प की थी? लेकिन वो तुम्हारी मदद क्यों करेगा? क्यों करेगा मतलब संत फ्रेंड है मेरा। तो वो खुद भी तो कर सकता था ना। खुद भी क्या कर सकता है?